गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम दानवीर सिंह। टुडे आई एम प्रेजेंट हेयर टू टीच यू अ इंग्लिश लेसन फ्रॉम योर इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यस, ऑन पेज 29 ओपन द बुक। ऑन पेज 29 Yes, find this paragraph. Then to his amazement. Yes, now I'm going to start. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. And he and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. Then to his amazement he realized that, तब उसको आश्चर्य हुआ, यानी जो क्लर्जीमैन था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अमेजमेंट हुआ, उसने महसूस किया कि रूम जो था एम्प्टी था। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वह और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे देखा, बिहाइंड द कर्टेंस पर्दों के पीछे देखा, इवन अब द चिमनी चिमनी के ऊपर देखा। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबॉडी, वहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं था। Yet the desk had been opened, फिर भी डेस्क खुली हुई थी। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और घर में रखा हुआ जो पैसा था वो भी गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, असाधारण घटना। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, क्लर्जीमैन सारे दिन ये कहता रहा, रेस्ट ऑफ द डे मतलब बाकी दिन यही कहता रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, बड़ा असाधारण घटना घटी। यही बात क्लर्जीमैन पूरे दिन कहता रहा। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ बर अफ वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी बहुत जल्दी उठ गए। एंड बर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ साइंटिस्ट का दरवाज़ा जो था वाइड ओपन, मतलब पूरा खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, सामान्यतया ये बंद रहता था, लॉक रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वह बहुत क्रोधित रहता था। इफ़ एन इवन एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई व्यक्ति इस रूम में प्रवेश कर जाता था तो। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड, अब इन दोनों लोगों को, लैंडलॉर्ड को और उसकी वाइफ को, ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने सोचा कि ये मिस नहीं होनी चाहिए, ऐसा मौका है कि दरवाज़ा खुला हुआ मिल गया, चलो देखते हैं अंदर। दे पीप, उन्होंने झांक कर देखा राउंड द डोर, दरवाजे के चारों ओर से। सा दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, नहीं सा नोबडी, देखा वहाँ कोई व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने का निश्चय किया। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जब उन्होंने बेड के क्लॉथ्स को चेक किया, उनको हाथों से छूकर देखा तो वो ठंडे थे। सोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन फॉर सम टाइम, तो ये दिखा रहा था कपड़ों को छूकर देखा तो ठंडे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट काफ़ी समय से उठा हुआ है, मतलब बिस्तर पर नहीं है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड द बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, और अजनबी जो कपड़ों को, इस क्लॉथ्स को और बैंडेज को जो बांधा करता था, शरीर पर पहना करता था, वर लाइंग अबाउट द रूम, वो रूम में पड़े हुए थे। यानी जो कपड़े पहनता था, जो बैंडेज माथे पर बांधता था अपने मस्तिष्क पर, फोरहेड पर, वो भी वही रूम में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, अचानक मिसेस हॉल ने अपने कान के पास स्निफ होता है सूंघने की आवाज़ सुनी। अ मोमेंट लेटर द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, एक क्षण के बाद में जो हेड था बेड पोस्ट पर रखा हुआ वो लिफ्ट अप ऊपर उछला, लिफ्ट होता उछलना। एंड डैश्ड इट सेल्फ इन टू हर फेस, और वो उसके चेहरे पर आकर लगा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, इसके बाद जो बेडरूम की चेयर थी वो भी सजीव हो उठी। सरप्राइजिंग इन टू द एयर, वो स्प्रिंगिंग इन टू द एयर, वो हवा में उछलती है। इट चार्ज स्ट्रेट टू हर लेग्स फॉरमोस्ट, और ये जो है सीधे जो मिसेज हॉल थी उनको, उनके ऊपर आई कुर्सी उछल करके। लेग्स फॉरमोस्ट, टांगे आई की ओर होकर के, मतलब जो कुर्सी की टांगे थी वो मिसेज हॉल की ओर थी, और वो चेयर उसकी ओर आ रही थी, पीछा कर रही थी। एस सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, जैसे ही वह और उसके पति डर से भाग गए, मुड़ गए। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ ऑफ द रूम,
और असाधारण कुर्सी ने उन दोनों को रूम से बाहर पुश किया, बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उसके बाद वो दरवाज़ा उनके पीछे बंद हो गया, लॉक हो गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेज हॉल लगभग हिस्टेरिक्स मतलब सीढ़ियों पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। सी वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाई स्पिरिट्स। उसको ये कन्विंस मतलब भरोसा हो गया था कि रूम स्पिरिट्स द्वारा, प्रेतात्माओं के द्वारा हॉन्टेड है, मतलब इसमें प्रेतात्मा निवास करती हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ केज्ड दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और इस अजनबी ने किसी प्रकार से इनको उसके फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है। मतलब मिसेज हॉल को ये लगा कि इस अजनबी व्यक्ति जो रहता है साइंटिस्ट, इसने ही इस फर्नीचर में उस प्रेतात्माओं को हमारे फर्नीचर में प्रवेश करा दिया है, जो फर्नीचर जो है उड़ रहा था इसलिए। माय पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, सी मोंड। वह दुख मनाते हुए कहती है, बड़ा दुखी होते हुए कहती है कि मेरी बेचारी माँ इस कुर्सी में बैठा करती थी, इसे अपनी माँ की याद आई। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, ये सोच करके कि इसको मेरे अगेंस्ट खड़े होना चाहिए, पता है कि वो कुर्सी थी उसके अगेंस्ट ही खड़ी हो गई। ठीक है। द फीलिंग अमंग द नेवर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज केज्ड बाई विच क्राफ्ट। जो फीलिंग थी पड़ोसियों में वो ये थी, ये भावना थी कि ट्रबल वॉज केज्ड बाई विच क्राफ्ट, कि जो समस्या है जो क्रिएट की गई है एक विच क्राफ्ट के द्वारा की गई है, मतलब जादूगर के द्वारा की गई है। वट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादूगर या नहीं, वेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बीकेम नोन, जब क्लर्जीमैन के घर में जो बर्गलरी थी, चोरी थी, चोरी की खबर जब सबको पता लगी, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो जो अजनबी साइंटिस्ट था, उसका मजबूती से उस पर संदेह किया गया कि उसका इसमें हाथ होगा। मतलब ये लोगों में सूचना हुई, ये जानकारी लोगों को इस तरह की, मतलब लोगों के मन में आया, शंका हुई कि उस साइंटिस्ट का ही इस चोरी में हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर, ये संदेह, सस्पिशन होता है संदेह, ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर और भी अधिक मजबूत हो गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, जब उसने अचानक कुछ रेडी कैश प्रोड्यूस किया। दो ही हैड एडमिटेड, यद्यपि उसने ये बात स्वीकार की थी, नॉट लॉन्ग बिफोर, ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, दैट ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, गाँव का जो कॉन्स्टेबल था उसको भी चुपचाप बुला लिया गया, सेंट फॉर होता बुलाना। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, और कॉन्स्टेबल के वेट करने के बजाय, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेज हॉल साइंटिस्ट के रूम में गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो किस प्रकार से बड़ा रहस्यमय तरीके से अपने खाली रूम से प्रकट हुआ था। मिसेज हॉल साइंटिस्ट के पास गई, क्योंकि वो खाली रूम में कैसे अचानक प्रकट हो गया, और वो कहने लगी उससे, आई वॉन्ट टू नो वाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर ऑफ चेयर्स, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरे चेयर में ऊपर क्या कर रहे थे। सी डिमांडेड, उसने बात जाननी चाही। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ, हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, कि किस प्रकार से तुम खाली रूम में से कैसे निकल आए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम एक लॉक्ड रूम में कैसे प्रवेश कर गए। इस प्रकार के प्रश्न जो थे श्रीमती हॉल ने उस साइंटिस्ट से, उस अजनबी से पूछे। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट हमेशा बड़ा ही क्विक टेम्पर्ड था, मतलब उसका स्वभाव बहुत ही तेज़ था। नाउ ही बीकेम फ्यूरियस, अब वो बहुत ही क्रोहित हो गया और कहने लगा, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझते हो मैं कौन हूँ क्या हूँ, ही शाउटेड, वो चिल्लाया। तो वो चिल्लाया साइंटिस्ट कि यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं समझती हो मैं कौन हूँ क्या हूँ, ही शाउटेड, वो चिल्लाया, वेरी वेल, बहुत अच्छा, आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक उसने बैंडेज को फेंक दिया, जो उसके माथे पर बैंडेज बंधी हुई थी, पट्टियाँ बंधी हुई थी, उनको फेंक दिया। विस्कर्स, जो मूछें लगा रखी थी उसने, उनको फेंक दिया। स्पेक्टेकल्स, जो स्पेक्टेकल्स होता है, चश्मे लगा रखा था, उसको भी फेंक दिया।
एंड इवन नोज और आर्टिफिशियल नोज लगा रखी थी उसने, उसको भी उसने उठाकर छोड़ा कर फेंक दिया चेहरे से। इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, उसको ऐसा करने में मात्र एक मिनट लगा। द हॉरीफाइड पीपल इन द वार, और जो वार में जो लोग थे बहुत ही हॉरीफाइड हो गए, आतंकित हो गए। फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, उन्होंने अपने आप को एक हेडलेस मैन को घूरता हुआ देखा, उन्हें लगा कि वो एक हेडलेस व्यक्ति को देख रहे हैं। मतलब उस व्यक्ति ने, अजनबी ने, जब अपने सिर से सारी चीज़ें, हैट और पट्टियाँ और गलमुच्छे, जब नोज और आर्टिफिशियल लगा रखी थी, छुटा कर जब फेंक दी तो ऊपर का पार्ट जो है इनविजिबल हो गया था, इसलिए उन्हें लगा कि वो एक हेडलेस मैन को देख रहे हैं। मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, अब वो जेफर जो था, जो कॉन्स्टेबल था, वो भी आ गया था। एंड वाज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और उसको बड़ा आश्चर्य हुआ ये पा करके, जान करके, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे एक ऐसे आदमी को अरेस्ट करना है जिसका सिर नहीं है। बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर आसानी से अपनी ड्यूटी से नहीं बच सकता था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, अगर एक मजिस्ट्रेट का वारंट किसी व्यक्ति के अरेस्ट के लिए आता है, तो देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट करना ही होगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, तब एक बहुत ही रिमार्केबल, बड़ा विचित्र सीन सामने आया। एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसे ही पुलिस वाले ने उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो मोर और मोर मतलब विजिबल इनविजिबल हो रहा था, धीरे धीरे अदृश्य होता चला जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे ही वो एक कपड़े के बाद दूसरा कपड़ा फेंक रहा था उतार करके बॉडी से, तो उतना ही पार्ट उसका अदृश्य होता चला जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में एक शर्ट हवा में उड़ती हुई दिखाई दी। मतलब उसने अपने अंडर गारमेंट्स थे उनको जो निकाल के फेंका, नीचे वाले पार्ट्स, तो उसके खाली शर्ट रह गई थी, लग रहा था कि शर्ट उड़ रही है हवा में। तो व्यक्ति वो साइंटिस्ट पहना हुआ था शर्ट के लिए, शर्ट रह गई थी इसलिए शर्ट सी हवा में उड़ती दिखाई दे रही थी। एंड द कॉन्स्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और बाद में क्या हुआ, उसने वो शर्ट भी जब निकाल कर फेंक दी होगी, तो कॉन्स्टेबल ने पाया संघर्ष करते हुए विद संबंध किसी व्यक्ति से, हु ही कुड नॉट सी एट ऑल, जिसको वो बिल्कुल देख नहीं पा रहा था। मतलब वो जूझ रहा था किसी ऐसे आदमी से जिसको वो देख नहीं पा रहा था। ऑल सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, सब कुछ लोगों ने उसको हेल्प करने की कोशिश की। बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाई ब्लोज, लेकिन उन्होंने अपने आप को, मतलब लगा कि उसको कोई ब्लोज होता है कि हवा में ही उसको कोई प्रहार कर रहा है। That seemed to come from nowhere, जो कहीं से भी आते हुए प्रतीत नहीं होते थे। पता नहीं कहाँ से वो हिट, मतलब प्रहार हो रहे थे लोगों पर, जो कोशिश कर रहे थे पुलिस वाले की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर भी प्रहार हो रहा था हवा में ही। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्सियस एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू दी अनसीन साइंटिस्ट, अंत में जो जेफर्स था वो नॉक्ड अनकॉन्सियस, बेहोश हो गया। एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट, जब वो लास्ट प्रयास कर रहा था टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, उस अदृश्य साइंटिस्ट को होल्ड करने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो वह अनकॉन्सियस हो गया, बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, तब नर्वस मतलब बहुत ही नर्वस होकर के, एक्साइटेड क्राइज मतलब बहुत ही उत्तेजना में चीखें निकल रही थी, लोग चिल्ला रहे थे होल्ड हिम, उसको पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सैड देन डन, लेकिन ये कहना आसान था करने की अपेक्षा। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को फ्री कर लिया था। एंड नो वन न्यू, और कोई व्यक्ति ये नहीं जानता था, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उसको पकड़ने के लिए कहाँ हाथ डाला जाए, क्योंकि वो अदृश्य था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी रीडिंग ये कम्प्लीट हो गई, ठीक है, ओके।